हेलो माय डियर लर्नर वेलकम इन स्काई इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज सेंट्रल डोगमा सो यू नो व्हाट मालिकुलर बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है या बार बार मैं ये कूँ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सेंट्रल डोगमा से सो इन दिस वीडियो हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिर ये सेंट्रल डोगमा होता क्या है ओके सो मूविंग फॉरवर्ड मोलिकुलर बायोलॉजी की बात करूँ अगर मैं तो so यहाँ पर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र की ओके okay. सो so, हम इंफॉर्मेशन को जो भी ट्रांसफ़र करते हैं वो डीएनए की हेल्प से करते हैं सो इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ डीएनए। एंड डीएनए ने इन्फॉर्मेशन किसको ट्रांसफ़र की आरएनए को ट्रांसफ़र की एंड आरएनए ने अपनी इन्फॉर्मेशन किसको ट्रांसफ़र की तो आर ने इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की, तो की प्रोटीन को ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी ओके okay. सो so, हम ये भी जानते हैं कि डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन ओके एंड आरएनए से प्रोटीन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन सो so, इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा सो हो फुली माई लर्नर आप अभी ये तो समझ गए होंगे कि सेंट्रल डोगमा है क्या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि डी से आर एन एंड देन आर से प्रोटीन फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वही है हमारी सेंट्रल डोगमा नाउ वी अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डिफिनेशन सो प्रॉपर डिफिनेशन की अगर मैं बात करूँ सो इट्स मैं द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी इज अ थ्योरी स्टेटिंग दैट फोकस हियर स्टेटिंग दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज ऑनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डी एन ए टू आर एन ए टू प्रोटीन और आर एन ए डायरेक्टली टू प्रोटीन